हेलो गाइस, क्या आपका बैचलर्स जो है आपने इंजीनियरिंग फील्ड से किया है? अगर आप भी अपने मास्टर्स के लिए प्लान कर रहे हो, वो भी एक मैनेजमेंट फील्ड से, तो ये डिग्री जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्वागत है आपका फिर से एक बार अब्रॉड किया चैनल पर। डोंट मिस आउट एनी वीडियो, क्योंकि आपके लिए ये वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इससे रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पर अपलोड है, तो आप उनको भी जाके चेकआउट करिए। डोंट वेस्ट ऑफ टाइम, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो में अपन इन मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड बात करने वाले हैं। अगर आपने अपने एसटीएम फील्ड से रिलेटेड आपने बैचलर्स किया है, जो कि एक प्रोग्राम है एमईएम, जिसे बोलते हैं मास्टर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मास्टर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो भी आपने बैचलर्स किया है अपना इंजीनियरिंग फील्ड से या डिप्लोमा किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने मैनेजमेंट में, आप करना चाहते हो क्योंकि आपके पास वर्क एक्स आपका मैनेजमेंट फील्ड से, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो अपने मैनेजमेंट फील्ड से, तो आपके लिए डिग्री काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। रीजन क्या है, वो रीजंस भी मैं आपको इस वीडियोस में पूरे क्लियर बता देता हूँ। पहले देख लेते हैं व्हाट इज एमईएम, होता क्या है, क्योंकि आपने एमबीए सुना है, पीजीडीएम सुना है, बट आपने एमईएम नहीं सुना है, क्योंकि ये अब्रॉड के रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। मास्टर डिग्री आप अगर आप करना चाह रहे हैं अब्रॉड से, तो ये एक प्रोग्राम ऑफर किया जाता है जिसे बोलते हैं मास्टर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट कॉम्बाइंस द डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फील्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज डिजाइन टू इक्विपाइड इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स विद अ यूनिक ऑफ स्किल्स दैट गो बियॉन्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज। सेम फॉर एमईएम डिग्री, फोकस ऑन द इंटीग्रेटिंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, लीडरशिप थिंकिंग, स्ट्रेटजिस्ट एंड सो ऑन सो ऑन। सेम अगर आप चीजें ये देख रहे हैं, अपनी लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिक स्किल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है एमबीए, क्योंकि आपको इसके साथ साथ नॉट अ इंजीनियरिंग आपको नॉलेज मिलेगी, इसको साथ साथ आपको एक मैनेजमेंट फील्ड के रिगार्डिंग भी आपको नॉलेज गेन मिलेगी। क्या क्या फैक्टर हैं वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स क्या है कंसीडर, देयर मेनी, मैंने फाइव रीजंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। हेयर आर फाइव रीजंस टू गेटिंग एन इंजीनियरिंग मैनेजर। अगर आपको क्यों करना चाहिए, आपको ये अपने लिस्ट में क्यों रखनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने मास्टर्स के लिए। पहला रीजन है इनहेंस्ड मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्किल्स। जैसे ही मैंने बताया, दोनों ही स्किल्स को इंक्रीज करती है, बूस्ट करती है और आपकी प्रोफाइल को बिल्डअप करेगी। सेम मैंने यहाँ पे लिखा, एक्सपेंड बोथ एनालिटिकल एंड मैनेजमेंट स्किल्स एसेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एनवायरमेंट। ये तो है ही रीजन। सेम इसके अलावा एक रीजन भी होता है, क्योंकि जो आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज हैं, उनको ऐसी स्किल्स रिक्वायरमेंट चाहिए जो एक टेक्निकल स्किल्स भी उसको आनी चाहिए, और देन इसके अलावा उसको मैनेजमेंट फील्ड का भी नॉलेज होना चाहिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। ये प्रॉब्लम होती है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके पास टेक्निकल का नॉलेज नहीं होता है, जिनके पास ओनली मैनेजमेंट का फील्ड है, मैनेजमेंट का उन्होंने बैचलर्स किया है और मास्टर्स के लिए भी वो मैनेजमेंट फील्ड चूज कर रहे हैं। ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उस पॉइंट पे भी अपन पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो पूरा एक्सप्लेन किया मैंने, एडवांटेज ओवर एमबीए फॉर टेक्निकल फील्ड्स। अगर आप इस फील्ड को चूज करते हो अपने टेक्निकल से, आपने बैचलर्स किया, मास्टर्स आप मैनेजमेंट से प्रिफर कर रहे हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू जिन्होंने मैनेजमेंट से अपना बैचलर्स किया है और अपना मास्टर्स भी मैनेजमेंट में करने वाले हैं। वाइल एंड एमबीए एंड एमईएम बोथ कवर लीडरशिप स्किल एंड मैनेजमेंट, द एमईएम इज मोर टेलर्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ड्यू टू इट्स रिक्वायरमेंट फॉर अ एसटीएम रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। नॉलेज सेम वही है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो, बट आपको टेक्निकल्स पे वर्क ना करके एक मैनेजमेंट फील्ड पे वर्क करना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोफेशनल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ईजिली मिल जाएगी। द एमईएम प्रोग्राम कैन बी कम्प्लीटेड एज लिटिल एज 12 मंथ विथ मैनी यूनिवर्सिटी ऑफरिंग बोथ ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन ऑप्शंस। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो इसको, ऑन कैंपस भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा आप ऑन कैंपस करिए, क्योंकि आपका नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ प्रोफेशनल टू फिट देयर स्टडीज अराउंड देयर
शेड्यूल, ये तो रीजन होता है। इसके अलावा क्योंकि जैसा भी मैंने नेटवर्किंग बताया, एक अगर आप मैनेजमेंट फील्ड से जहाँ पे आपका एक नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है, प्रोफाइल आपका स्ट्रांग नहीं है, कनेक्टिविटी जिसे बोलेंगे एक दूसरे से, कम्युनिकेशन स्किल्स गैप हो रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं आपके लिए और आपकी स्किल्स के प्रोफाइल के लिए। स्पेशलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल्स स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती हैं इसमें, जो आप चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट से वो कौन कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है MEM के लिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहे हो MEM के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन है, जर्मनी MEM के लिए काफ़ी ज़्यादा नोन, USA, कैनेडा, UK, ये भी यहाँ पे भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो MEM ऑफर कराती हैं, तो एक बार यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। MEM प्रोग्राम्स ऑफर नंबर ऑफ वेरियस स्पेशलाइजेशन ट्रैक अलाउ स्टूडेंट टू फोकस ऑन स्पेसिफिक करियर गोल्स एंड जॉब रोल्स। अगर आपका टारगेट है आपको प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, तो मेरे सजेशन से ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको ये एक बार अपनी लिस्ट में ज़रूर इसको रखना चाहिए। यूनिवर्सिटीज को हाई डिमांड है कंपनीज में, अगर आप देखोगे ऐसी एक कंपनीज है जो टेक्निकल बेसिस पे पूरा रन करती है, वहां पे मैनेजमेंट के रिलेटेड भी वर्क रहते हैं, तो आपके लिए जैसे प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये परफेक्ट एग्जांपल है इसका, क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्निकल के साथ साथ आपको मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको सीखने के लिए मिल रही है। द डिमांड फॉर सच रोल्स एज इंक्रीज बाय 59% अक्रॉस द ग्लोब, जो आप देखोगे अक्रॉस द कंट्रीज आपको 59% जो है हाइक मिलेगा इन स्पेशलाइजेशन इन जॉब रोल्स के अंदर। ओके, नेसेसिटीज फॉर टेक्निकल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज इन करेंट इंजीनियरिंग सिनेरियो। इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो आप बैक सीखते हो इंजीनियरिंग में, वो एक तो एक आपका नॉलेज है आपको ऑन द टाइम मिलता है, अगर आप इंडस्ट्रीज में वर्क करें तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आप वर्क करते हो 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, देन आप फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड में आप वर्क करते हो, तो वो आपके लिए ही ज़्यादा ग्रोन चीज़ें रहेंगी और पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। देन जो आपका रहेगा थिंग्स यूनिट्स, आपको क्या क्या जानना चाहिए इस डिग्री के बारे में, वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। दैट पर्स्यूर मास्टर मैनेजमेंट MBA डिग्री, दे आर सर्टेन रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशंस, जिस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो अपन देख लेते हैं क्या क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा। जो भी आपने बैचलर्स किया है वो आपके STEM कोर्सेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग फील्ड या रिलेटेड फील्ड से आपका बैचलर्स होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा एक्रेडिटेशन इंस्टीट्यूट। सम प्रोग्राम मे कंसिडर एप्लीकेशन फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बट टिपिकली रिक्वायरमेंट एडिशनल कोर्सेज वर्क ऑन देयर प्रीक्वेस्ट। बेसिकली सेम है, अगर आपका प्लस पॉइंट है, अगर आपका जो बैचलर है वो आपके इंजीनियरिंग फील्ड से इस रिलेटेड फील्ड से आपका बैचलर है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आप इसके अलावा अदर फील्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट आपकी वही रहेगी सेम। स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से टेस्ट आप दे के इसमें एडमिशन दे सकते हो। GRE एंड GMAT सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं, अगर आपके पास इन दोनों में से किसी एक का भी स्कोर्स अच्छा है तो आप इसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। वर्क एक्स रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वाइल वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, MEM प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट आपके पास है वर्क एक्स तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो आपके एट द टाइम ऑफ जॉब्स के लिए आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी है मैनी MEM प्रोग्राम प्रेफर एप्लीकेशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इन द इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स, दिस कैन कंक्लूड इंटर्नशिप को प्रोग्राम्स और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास इंटर्नशिप की आपने रिलेटेड फील्ड से वर्क एक है फुल टाइम का, या आपने कोऑपरेशन प्रोग्राम्स की हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो इसके बेसिस पे। बेसिकली प्रोफाइल फिल्टर पे आपका बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या आपने करिकुलम में आपने क्या क्या किया, वो बेसिकली जज करता है। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए, GPA आपका एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक स्पेसिफिक, वो भी डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी और कंट्री टू कंट्री, किस कंट्री और किस यूनिवर्सिटीज में आप टारगेट करें तो उसके बेसिस पे आपका GPA यहाँ पे वेरी करेगा, तो वो भी आपको एक बार चेक करना है कितना GPA रिक्वायरमेंट रहेगा उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से। देन आपका रिज्यूम और CV आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, जिसमें आपका बैकग्राउंड मैंडेटरी होना चाहिए, वर्क एक्स आपका रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रोजेक्ट्स पब्लिकेशंस एंड एनी अदर रिलेवेंट वर्क आपने जो किया है आपने अपने बैचलर्स में या बैचलर्स के बाद या बैचलर्स से पहले, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने CV में। सर्टिफिकेशन अचीवमेंट मैंने मेंशन किए हैं, कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट आपने किया है एंसर अचीवमेंट किया है, आपके पास अवार्ड्स एंड ऑनर हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देन आता है आपका इंग्लिश जजमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, जिसे आप बोल सकते हो
आयल्स या टोफिल आप बोलोगे, बेसिकली ये दो टेस्ट हैं, आप इसके बेसिस पे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी एक यूनिवर्सिटी. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आयल्स एंड टोफिल ही मांगती है, जिसका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, एक स्टैंडर्ड बैंड स्कोर है आयल्स का. आप देखोगे तो 6.5 आपका रिक्वायरमेंट रहेगा किसी भी एक यूनिवर्सिटीज में, अगर इससे प्लस है तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा. सेम फॉर टोफिल के लिए एक स्कोर है, वो भी डिपेंड करता है आपने किस फॉर्मेट में दिया है, तो भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कितना आपका रिक्वायरमेंट रहेगा. देन करते हैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उन टॉप कंट्रीज में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कराते हैं, क्या कहाँ पे वो लोकेशंस है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूएसए, सबसे पहले मैंने लिखा है ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ड्यूक, नॉर्थ MITs हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया, नॉर्थन यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं. यहाँ पे आप MEM कोर्स को टारगेट कर सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो इनमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस ऑफर किए. देन फॉर UK आता है इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन, वेब्रिक यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़. इसके अलावा भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं UK एंड USA में, इसके अलावा भी कंट्रीज में अवेलेबल हैं, तो आप उनको एक बार देखिए कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटीज फुलफिल कर रही है, क्या रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज में. देन मूव ऑन कनाडा, कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, MC McGill यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और MC Master यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस लोकेशंस पे लोकेटेड है. अगर आप इंटरेस्टेड हो कनाडा में अपना MEM कोर्स परस्यू करना, तो आपको ये यूनिवर्सिटीज़ आपको एक बार चेक करनी चाहिए. बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ या टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़, तो आपको एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी, जहाँ पे आपका स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो आप उसके बेसिस पे भी एक बार चेक कर लीजिए कि कितना क्या रिक्वायरमेंट है. देन जर्मनी पे अपन बात करते हैं, RWTH आखन यूनिवर्सिटीज़ है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, काफ़ी ज़्यादा वेल नोन ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं. KIT यूनिवर्सिटी, कार्लसरू यूनिवर्सिटी, बर्लिन, डर्मस्टाट यूनिवर्सिटी एंड स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी, ये हैं. सेम फॉर लोकेशंस मेंशन है, आप एक बार पूरा डिटेल्स में चेक करिए. पहले तो आप ये देखिए कि आपको किस कंट्रीज में आपको टारगेट करना है अपना MEM कोर्स, कौन सा आपके लिए अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, अफोर्डेबल कंट्रीज रहेंगी, उसके बेसिस भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर करते हैं एक यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ को टारगेट करने के लिए. इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे 4 to 5 कंट्रीज़ के पूरे कॉलेजेस बता दिए हैं, नॉट अ पूरे बट हाँ काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपके लिए लिस्ट में मैंने मेंशन किया है. ऑस्ट्रेलिया पे बात करते हैं, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी है, साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर. अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर रहे हो, बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, वहाँ पे बैरियर आता है आपका लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि वहाँ पे जर्मन सबसे ज़्यादा बोली जाती है. इंग्लिश टॉट प्रोग्राम तो अवेलेबल है, बट आप जब जॉब के लिए जाते हो और डेली लाइफ के लिए, तो आपको वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं A2 लेवल तक आनी चाहिए, तो क्योंकि वो आपके लिए सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा और हेल्पफुल होगा एक कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए एक कम्युनिटी या नेटवर्किंग आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए. बेनिफिट्स देखते हैं MEM के. सेम फॉर कंबाइनिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फील्ड्स के स्किल्स के बेसिस पे आपको ये जो बेनिफिट्स रहेगा, अगर आपका प्रोग्राम, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन दोनों फील्ड्स में, ब्रॉड करियर आपको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं इस फील्ड्स में, और काफ़ी MNCs भी लेती हैं इस प्रोग्राम के बेसिस पे, आपको जॉब्स भी जॉब रोल्स भी ऑफर किया जाता है. होलिस्टिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है MEM करिकुलम जो आपको सिखाता है. सबसे अच्छा है कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड आपको ये प्रोग्राम्स में आपको पूरा अंडरस्टैंड किया जाता है, आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है. देन सेम लिखा भी इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट इन्हेंसमेंट द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इससे. देन आपका मूव ऑन करते हैं लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट स्किल्स, तो इससे इम्प्रूव होगी ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट प्लस इंजीनियरिंग या टेक्निकल स्किल्स के बेसिस पे पूरा करिकुलम डिपेंड करता है, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस रहते हैं, तो इसके बेसिस पे भी ये भी आप एक बार चूज कर सकते हो. कुछ करियर ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आप अगर आप परस्यू करते हो, अगर आप अपने जॉब्स के लिए देख सकते हो, अपने आफ्टर परस्यू और आफ्टर मास्टर्स के लिए. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, ऑपरेशन मैनेजर एंड प्रोडक्ट मैनेजर, और एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन जॉब रोल्स में, ये कुछ टॉप जॉब रोल्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड या इस प्रोग्राम से रिलेटेड. अगर आप देखना चाहते हो एक बार देख सकते हो सारी चीज़ें. इसके अलावा भी और कोई डाउट आता है
तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।